सुनरी ताल के जो वडी आबादी रखंदड़ फुला जू शहर मिड़नी बुनियादी सहूलतन का महरूम बणियल है। ये शहर कारोबारी लिहाज का पाँ एक अलग हैसियत रखे तो, पर इन शहर जहा अनेक मसला जै सबब इतान जो अवाम सख्त अजियत में मुब्तला है। यूनियन काउंसिल जो दर्जो रखंदड़ इन शहर में मेन थानो तालका अस्पताल जो दर्जो रखंदड़ रूरल हेल्थ सेंटर है, पर रूरल हेल्थ सेंटर में दवाओं की खोट कुत्तन के चक का बचाव की वैक्सीन अणलभ है। इन शहर दा ईंदड़ वींदड़ समूरा रोड रस्ता टुटल हैं। शहर जो गलियों गटरन जो पानी रोडन ते उतरण करे गंदगी के वर चढ़ियल हैं। जामा मस्जिद गर्ल्स हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल समा पाड़ो समेत केतरा इलाका गंदगी के वर चढ़ियल हैं। पीण के पानी के तालान में गटरन जो पानी मिलन करे शहरी गंदो पानी वापरण से मजबूर हैं। वाटर सप्लाई के तालान की चार दीवारी न होने सबब कुत्ता बया जानवर उन पीण के पानी के गंदो कन था। गिलाजत वाली शूं पानी में मिलन करे पानी जहरीलो थी वो है, जैसे करे शहर में वबाई बीमारियों मुंह कढ़ियो है। यूनियन काउंसिल ऑफिस की इमारत टुटी खत्म थी वही है। पानी की टांकी जेका केतरा ही साल पुरानी होने करे कें भी वक्त धमाके से किरी हेठा रहंदड़ आबादी के वो नुकसान पहुंचाए सके थी। शहर में रोलू कुत्तन जो आजार पुण वधियल है। हाईकोर्ट के हुक्म बावजूद सिक्योरिटी कुत्ता मार मोहम शुरू न कई, जै सबब मुख्तलिफ वक्तन से कुत्तन केतरन ही मासूम बारन समेत मर्दन के डायण जा वाक्या मामूल बणियल हैं। मंशियात समेत समाजी बुराइयों चोट चढ़ियल हैं। सफाई वाले अमले की खोड़ सबब शहर मुकम्मल तौर गंदगी के वर चढ़ियल है। उन सिलसिले में हितान के शहरी जो चवण हो था सलो हिकड़ो हो जाए तो गाल थी ही तो मसाइल स्थान है। हर किस्म की बुनियादी सहूलत इतने मुयसर ना है। तसो सब का पैर असाजे शहर में मंशियात केतरी है, मंशियात जो केतरो वेकरो थे तो हर तरह की मंशियात जहाँ है तो फुल शहर में मिले थी। इंतजामिया उन हवाले से को भी कदम खड़न के लिए तैयार ना है। एतरे कदर जो शहर में मानू नशो वापराए ठरो वापराए किरण भी था बेहोश भी थन था रोज तमाशा थन था, लेकिन इंतजामिया जो सो को भी कदम खड़न के लिए तैयार ना है। उन तसो तो ही रोड है ही जो सो मेन रोड है जैमें तुझी यूनियन काउंसिल की ऑफिस है तुझी न्याणियों की स्कूल है तुझी जो सो नंढड़ प्राइमरी स्कूल है जामिया मस्जिद है ही गली ही रोड सदाई पानी के हेठ हों सदाई इं जो इं हों ही गटर नालो ती सोता इन गटर नाले के अंदर कदें भी सफाई को थे सालन का भी सफाई नी थे। उनका अलावा कुत्तन जो आजार है रोज नंढड़ा बासू बचड़ा जी वह कुत्तन से खाजन था मानू जो जख्मी थन था। एतरा मसाइल जो पानी जो मसलो आ वाटर सप्लाई जो पानी जो वो भी साफ को हों मुकम्मल तरह से इंतजामिया जेका है ते नाकाम है कें भी किस्म जो कम करण जला तैयार ना है। सर असा इलाही चक्कर कंप्लेन कयन एसडीसी के चयो है आए अला कुम एसी साहब के चयो है इनन के चयो तो भाई टंकी है जेका किरंदी असा ने घरन मथा नंडा नंडा बारन सफाई डैमेज थी होया इलाही चक्कर आया ने ते अचो बियो दिसियो न वनन त भाई टंकी असी डायू दा सर अजी डायू दा पानी हटा सुकी ने से डायू दा उने को पानी सुकियो गटर ठई होलियो सब गाल जे पर केर भी को आयो इन इतने ब घुमरा इंजर इंजीनियर आयो बो भी आयो तो सर मुझे भाई टंकी किरे थी असर घर के मथा तो सही सुबह न परी बस मू अचन था टंकी किराइंदा अं टंकी इतने बीठी केर बुधनार को इनके तकरीबन 10 साल थे एक्सपायर थे अगे फुलाड़ी शहर तकरीबन 25-28 हज़ार आबादी के मुश्तमिल यूसी है जो तालके सिंधगी की वे में वही यूसी है। उनका बुनियादी मसला वे साग्या जो पाकिस्तान ज गोठन शहर जहाँ बुनियादी मसला तकरीबन मुझी उम्र भी तकरीबन 40 साल के वेझी थी है। मुन फुलाड़ी शहर में यूनियन काउंसिल जो सतह से जो तलान उन्नमें का भी माना आबादी तो वे पी ढी ढी पर उनमें अपग्रेडेशन का भी को 40 साल का उन्हीं के दिसा अचूँ पे पुराना तला उनका अलावा सेवरेज ज मसला पानी जन फिल्टर प्लांट जहाँ मसला रोड रस्तन जहाँ पे तला की हालत यो है तो इनकी दीवारों सब जबून हाल सेक्रेटरी साहब आए हिंसा शायद उनके कदम दिठो भी को शायद ही फुलाड़ी वासी कें अगमू दिठो हो उनके तो बेसिक जो फुलाड़ी जहाँ मसला जो हर शहर जहाँ पाकिस्तान जहाँ अस उम्मीद क्यों था माशाला हुकूमतू हलन प्यूँ डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी में अवाम की गाल थे थी पर उनको अमल थे नजर न तो अच सब का वो आबादी रखंदड़ फुलाड़ी शहर जै
ते जो जो वाटर सप्लाई जे तलान ते पान मौजूद है इंसान जी जिंदगी जे लाए जो पानी आ वो आबे हयात है वो जरूरी होंद मुझे पसे मंदर में ही दिसी रहा हो तो हिंसर जनवरी में सालानी वाहन जी जेका सफाई कई वेंदी है उन सिलसिले में पानी बंद होंद इतना जहाँ मानू जे बन सहूलतू इन रोड रस्ता तालीम स्कूल इदारा कुछ भी ना खपन सिर्फ पीण जो साफ पानी ही घुरन था मगर हालत यहाँ है जो इतना जहाँ मानू जो मथन से दिला औरतू बार बुढ़ा उ खड़ी अचन था जो पानी वो कलर भी चेंज थी जो जहरीलो बन जिते मथा जो पखी उो जो सो वो फजलो हेठ किराए रहा उन्हें भी जो सभी बीमारियों पैदा थियन थी हि जी यूसी सेक्रेटरीज रोलू कुत्तन जो आधार हुए गटरन जो उथलण जो आधार हुए तालीमी दरसगाहों इदारा उन्हें सामू गटर उथिलल मगर केंजे कन ते जूं भी नथी सुरे जो इन के लिए जो उन आवाम डा नको वनो आ नको कुछ करणो आ इदारा इन सजे मामलन ते खामोश तमाशा ही बनल शहर सजो जो सो वो गंदगी के ढेर में तब्दील थी वो डस्टबिन बन जी वो मगर सफाई कें भी किस्म की ना सब का वही आबादी रखड़ शहर फुलाजियों है जो तमाम तर बुनियादी मसलन के वर चढ़ियल है सब का पे तो तालीम जो निज़ाम पिण नाकारा बनल है यूसी फुलाजियों केतरा स्कूल उस्तादन की खोट के करवा उत वडेरन तरफा वाड़ा ठाया वन या फर्नीचर की खोट के कर स्कूल बंद पियलन इतना जहाँ बारड़ा तालीम जड़े जेवर का महरूम बनल यूसी फुलाजियों बो बुनियादी मसलो सेहत है सेहत खाते की नाहली के कर सिविल अस्पताल फुलाजियों के अमले के गैर अखलाक रवैये के करे जो सो मानुन जी सिविल अस्पताल रुझान तमाम घणो घट जी वे उन ड्रेनेज सिस्टम आ जो तमाम तर नाकारा बनल है जैसे बरसात अचन थी या गटर जो गंदो पानी शहर या चौकन या गलन में बीह तो रहे जैसे कर बीमारियों तमाम घणन थी एक तो सेहत खाते की नाहली है तो ड्रेनेज सिस्टम नाकारा इंतजामी नाहली के कर ड्रेनेज सिस्टम खराब है इतना का कर अगत सामारी मोरी 4 किलोमीटर है इन्हीं के विच में इन पानी ला का किरासिंग कान्ह का उन्हें का पो जड़े बरसातू अचन थियं तो वडेरा पंजे मर्जी से जिथा दिल चे उतना कटाणियों सरकारी रोड टोड़ो बिठा उन हिंर भी तुम हाली जो सरजमी दिसद तो बिल्कुल उनके 30-35 फुटन जहाँ घारा लगा पियान जो अजा सुधो बंद न थियान मसलो ये कि वर्सड़े जम पुरानी असि जी मुझे 30-30 साल थे नौकरी कहते राको इतने अपग्रेड थोड़ा तला जो सागा 1980 में तला ठा उन कम को हिंसर एस डी ओ सिस्टम आयो है ऑपरेशन महकमो ठा हाँ ये कि तार बार वी दिन नो खर्चो कन था नालो भी ठारा अन बो इन जो सिस्टम ये तो इनके 20 साल का अपग्रेड छो हों सो अं को अमलो सही चौकीदार बुधन तो है पर अचे को ड्यूटी को एक जनो है न को चौकीदार न को बेलदार न को इतने स्वीपर हर को मू को भरजन था तला जैसे फुल पानी जो तो इतने मत अची तो वे वरी जैसे तला हेठ तो वे तो पानी सो जो सो इनके अंदर हलो तो वे ये पानी जो तो घर में कें गरीब बेचारा वो पैं हिसाब से पींदा भी आन कें विजू भी कहता इन पानी से जो तो ये पानी इतने निज़ाम बिल्कुल सही को गटर जो पानी अचे तो वो भी सो इनके अंदर हलो तो वे अरे इन असि का भी सहूलत को टेंकी 12 बजे का पत्थर की हेठ किराए पखी बखी उड़े वन छाटू ट्राफर में लगल ही को बटे घर वेझा इन बिल्कुल जान नुकसान थी सके पे तो यही मसलो है जो गटर जो मामलो है वो असंग तंग कर रो है छो तो जे भी निमाजी मूँ जे भी मटीन था तो गटर बिल्कुल सही ना गटर के हवाले से बिल्कुल को भी सहूलत असं मौजूद ना नाल नाल में वहन के बजाय वो रोडन से वहन थियं रोड पूरा पानी से भर वन जैसे कर निमाज जहाँ कपड़ा वगैरह खराब थन हलण में ढी तंगी थे थी मंजूर भाई का 15-20 साल पे जे इतने स्वीपर मुकर्र हुआ कॉन्ट्रेक्ट की बुनियाद से जी अगत वही चेयरमैन जो दौर आयो या बे के दौर आयो तो उसे सब जो कॉन्ट्रेक्ट हुआ वे बरतरफ क्या वह सियासी तौर से जे स्वीपर भर्ती क्या हुआ जो मुसलमान हुआ जो न अची सकया उन सफाई जो वो इतने संगीन मसलो रो तुम एक 2 साल अग में एक गटर नालो जो ठो जो हिंदर साल को मुकम्मल डैमेज थी चुको है सागो पानी वही वाटर सप्लाई की तरफ अची रो इन मसले से गौर करण खपे जो तकरीबन 15 साल का गटर नालो ठो वो भी मुकम्मल डैमेज थी चुको है जैमें लखे रुपया खर्च तो थे लेकिन वो उनमें खर्च न थी सके जो ठेकेदार पा खाई वो उनते तमाम नाकस मटेरियल इस्तेमाल कर जैसे अस रड़ी भी क्यूस लेकिन बस वार उन्होंने को भी अमल न कर पानी गंदा जहरीला पानी मिक्स हो रहा है उसके साथ साथ सफाई के बड़े मसाइल हैं फुलाड़ू शहर में कचरा नहीं उठाते हैं जो वर्कर हैं
काम उनको हुकूमत वक्त को करने चाहिए। तालाब का पानी तो जहाँ तक ये आपके सामने, बाकी काफ़ी लाइनें टूटी हुई हैं शहर के अंदर जो डैमेज हैं, वो अगर बना दी जाए तो पानी का मसला काफ़ी हद तक हल हो सकता है। शहर के हालात बहुत ही पेचीदे हैं, क्योंकि गटर नाले जो बिल्कुल गटर है पानी, वो नालियों में आ जाता है, नालियों का पानी फिर गलियों में आता है, और शहर के अंदर भी ये निज़ाम बहुत ही बुरी तरह मुतासर है। शहर के अंदर भी पानी आ जाता है, गुजरते हुए हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं, नमाज में परेशानी होती है। मेहरबानी करके इस गटर लाइन को भी सीधा किया जाए, और टंकी गिर रही है और किसी को नुकसान हो जाए, कोई किसी आदमी को गिर जाए, किसी घरों के घर करीब हैं या हमारे समय भाई हैं इनके घर करीब हैं, मेहरबानी करके इसको 10-15 साल से खराब हो रही टंकी। और पानी नालों का जो है ना, ये तालाब बहुत पुराने हो चुके, इसके अंदर बैक्टीरिया तरह तरह की जरासीम पैदा हो रहे हैं। मेहरबानी करके इस पानी को भी सफाई भी की जाए, तालाब की, तालाब जो सफाई का सिस्टम है इसका, वो तो बिल्कुल ही 15-20 साल से ख़राब हो चुका है। जो तालाब के साथ एक सिस्टम होता है इसको साफ करने का, जिसके अंदर वो रेती वगैरह और बजरी वगैरह डाल के साफ करके पानी आता है, वो तो बिल्कुल नहीं आ रहा, डायरेक्ट पानी आ रहा है, और डायरेक्ट पानी बिल्कुल जहरीले जरासीम और ख़राब है। नीचे का पानी वैसे ही जहरीला ख़राब है, और मेहरबानी करके इसके जो पूरे निज़ाम को सही किया जाए। ज़रूरत उन गाल जी है तो शहर जहाँ बुनियादी मसला हल क्या वन पीण जो साफ पानी जो आबे हयात लाए तमाम जरूरी होंगे है उन शहर में फराहमी यकीनी बनाए वे ताज़न बरसात सबब टुटल फुटल रोडन जो मरम्मती कम कराया वे तलीम सेहत की बेहतरी ला उपा वरता वन तो जी शहरी सुख जो सह खी सन। मंजूर शर सिन टीवी न्यूज़ सिंधड़ी।